दिस इज अविनाश शर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैट जीपीटी और उसके सम मॉडल्स। चैट जीपीटी जो कि एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस मॉडल है, उसके जो सम मॉडल्स हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैट जीपीटी 3 जो कि एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस मॉडल है, लेकिन इसके भी हमारे 4 सब मॉडल्स होते हैं। हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जहाँ इनके नाम से टेक्स्ट डाविंची, इसका जो करंट वर्जन है आपका 3 है। सेकंड है हमारा टेक्स्ट क्यूरी, करंट वर्जन 1, और थर्ड वन है टेक्स्ट बाबेज, करंट वर्जन 1, और फाइनल टेक्स्ट अडा, इसका भी आपका वर्जन 1 है। इन सभी मॉडल्स का अपना एक पर्पस होता है, लेकिन जो हमारा डाविंची मॉडल है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि डाविंची जो मॉडल है वो ऑलमोस्ट कोई भी टास्क जो दूसरे मॉडल कर सकते हैं इजीली और बेटर वे में कर सकता है, इसलिए डाविंची मॉडल बहुत ही पॉपुलर है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर समराइजेशन, कॉम्प्लेक्स इंटेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कुछ सैंपल्स हैं कि इस तरह के काम कर सकता है। जैसे कि हम बात करें कॉम्प्लेक्स इंटेंट, कॉम्प्लेक्स इंटेंट से मतलब है कि सपोज एक कस्टमर है या आपका एज ए पर्सन आप कोई क्वेरी भेजते हैं बोट को, सो आपका इंटेंट क्या है, आपके क्वेश्चन का इंटेंट क्या है, उसको समझना और उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई करना। आप एक बैंक का फॉर्म भर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो उस इंटेंट को एनालाइज करना। इसी तरह से हमारा कॉज एंड इफेक्ट होता है। कॉज एंड इफेक्ट सपोज जैसे कि आप कोई डाइट लेते हैं या फूड खाते हैं, हैवी फूड लेते हैं, तो उस केस में उसका इफेक्ट क्या होगा, आप वेट को गेन करेंगे या वेट को लूज करेंगे। सो इस तरह के एनालिसिस भी आपका ये डाविंची कर सकता है। सेकंड है हमारा टेक्स्ट क्यूरी। इन सब में एक बात आप कॉमन देख सकते हैं, टोकन और कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट होती है सबसे ज़्यादा हाई जो कॉस्ट है हमारी डाविंची की है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है, और जो टोकन साइज है इसका 4000 है। इसका मतलब जितना बड़ा हमारा टोकन का साइज होगा उतना ही बड़ा हम प्रॉम्प्ट के ऊपर अपना आंसर या क्वेश्चन ले सकते हैं और उतने ही साइज का हमारे पास आंसर जनरेट होगा। सेकंड है हमारा क्यूरी। क्यूरी के अंदर कॉस्ट मीडियम है, यानी कि अगर हम कंपेयर करें डाविंची से तो उसका कॉस्ट कम है और टोकन साइज का कम है, 2048। टोकन के ऊपर मेरी अगली वीडियो आप डिटेल्स में देख सकते हैं। इसी तरह से हमारा थर्ड वन है बाबेज, इसका कॉस्ट बहुत लो है और लेकिन टोकन साइज भी आपका 2048। टेक्स्ट एडीए, इसका कॉस्ट भी बहुत लो है और टोकन का साइज आपका 2048। सो अगर आप कंपेयर करें तो इसमें डाविंची ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैक्सिमम साइज जो इसका टोकन का 4000 है, कॉस्ट भी आपकी हाई है, यानी कि आप लॉन्गर प्रॉम्प्ट और लॉन्गर आंसर आप इस डाविंची से ले सकते हैं। सो बात करते हैं हम सेकेंड वाले की, टेक्स्ट क्यूरी की। तो टेक्स्ट क्यूरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रेट फॉर नाउंस टास्क लाइक सेंटीमेंट एनालिसिस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड द कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं नाउंस टास्क, यानी कि वो टास्क जिसमें आपका कोई वर्ड होता है या कोई फ्रेज होता है जो कि मल्टीपल, जिसका मीनिंग होता है मल्टीपल लेयर्स में होता है, उसको एनालाइज करना हम इस टेक्स्ट क्यूरी से कर सकते हैं। लैंग्वेज को ट्रांसलेशन करना हो या कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन हम डाविंची से भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले हमारे जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम चेक करेंगे कि किस तरह से हम चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करके दूसरी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है वो डाविंची है। इसके बाद थर्ड हम बात करते हैं टेक्स्ट बाबेज, यानी कि ये आपका जो सेमेंटिक सर्च होता है उसके लिए आपका यूजफुल है। सेमेंटिक सर्च का मतलब होता है कि एक वर्ड को सर्च करना और उससे रिलेटेड उसकी डिटेल्स को सर्च करना, यानी कि उसके लिंक को सर्च करना। इसी तरह से हमारा फोर्थ होता है, यानी कि सिंपल टास्क लाइक पार्सिंग द टेक्स्ट,
एड्रेस करेक्शन। सो हर मॉडल का अपना एक पर्पज है, लेकिन जो डाविंची है ऑलमोस्ट ये सभी तरह के टास्क को आपको फुलफिल कर सकता है, यानी कि आपका परफॉर्म कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन है कि किस मॉडल को चूज करें। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डाविंची आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल मॉडल है, उसका कुछ रीजन्स हैं। सबसे पहले रीजन चेक कर लेते हैं, कन्वर्सेशनल, यानी कि जो डाविंची मॉडल है हमारा कन्वर्सेशनल है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि सपोज गिव मी नेम ऑफ वन फ्रूट, तो आंसर है एप्पल। अब अगर सपोज यहां पर हमारा कन्वर्सेशन है और जो करंट कॉन्टेक्स्ट है वो एआई को मालूम है, अगर सपोज मैं ये लिखता हूं गिव मी मोर एग्जाम्पल्स, या हम लिख सकते हैं मोर, गिव मी मोर फाइव एग्जाम्पल्स। सो इसमें मैंने कहीं भी आपका फ्रूट का कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन एआई जो हमारा करंट कॉन्टेक्स्ट है कन्वर्सेशन का उसको समझता है। सो गिव मी मोर फाइव एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, ठीक है। सो जो हमारा करंट आपका रेस्पॉन्स है उसके बेस पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो और स्ट्रॉबेरी, यानी कि जो हमारा डाविंची मॉडल है ये आपका कन्वर्सेशनल है। इसी तरह से हम चेक करते हैं जनरेशन, सो एक आपका रेस्पॉन्स को जनरेट करता है। देन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी चीज को जैसे कि सपोज हम कहते हैं एक हमारा एक पैराग्राफ है और से टाइप करते हैं कन्वर्ट दिस पैराग्राफ इनटू से 50 वर्ड्स, देन सो एक तरह से हम इसको रीवर्ड कर सकते हैं या इसको रीराइट कह सकते हैं। सो इसका मतलब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है, क्लासिफिकेशन जो हमारा इनपुट होगा वो डिफरेंट टाइप के बकेट में वो क्लासिफाई कर सकता है। टेल फाइनली कंप्लीशन, यानी कि जो भी आपका रेस्पॉन्स आएगा वो आपका कंप्लीट आएगा। सो इसलिए हम डाविंची को प्रेफरेंस दें। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉडल एंड द सब मॉडल ऑफ द चैट जीपीटी 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and like the video.